दोस्तों आमतौर पर किसी भी फिल्म में हीरो को हीरोइन से ज्यादा ही सैलरी दी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि हीरोइन ने हीरो या विलन से ज्यादा फीस चार्ज करी हो? अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 3, श्रद्धा कपूर। इन्होंने आज की 2, छिछोरे और एक विलन जैसी कुछ हिट फिल्में दी है जिनमें इनकी एक्टिंग तारीफ करने लायक थी। तो 2018 में इनकी एक फिल्म आई थी स्त्री, जिसमें इनके अपोजिट राजकुमार राव देखने को मिले थे। उस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर ने 7 करोड़ रुपए चार्ज किए, वहीं राजकुमार राव ने 6 करोड़ रुपए लिए थे। और नंबर 2 पर आती हैं आलिया भट्ट। ये बॉलीवुड की सबसे काबिल एक्ट्रेस में से एक है, क्योंकि इन्हें SS राजामौली की RRR के साथ कई बड़े बजट की मूवी में काम करने का मौका मिला है। तो 2018 में इनकी एक फिल्म आई थी राजी, जिसमें इनके साथ लीड रोल में विकी कौशल थे। अब विकी कौशल ने इस फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट ने इनसे 3 गुना ज्यादा 10 करोड़ रुपए लिए थे। नंबर 1, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस में से। तो 2018 में इनकी एक फिल्म आई थी पद्मावत, जिसमें इनके साथ रणवीर सिंह और शाहिद कपूर भी नजर आए थे। आपको बता दूं, दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म के लिए 12 करोड़ जितनी भारी रकम ली थी, वहीं रणवीर सिंह ने 8 करोड़ और शाहिद कपूर ने 6 करोड़ रुपए फीस चार्ज